सोनीपत में सरकार की ओर से की गई विकास की घोषणाओं की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए रोहतक मंडल के आयुक्त जगदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। लघु सचिवालय में हुई बैठक में अधिकारियों को विकास कार्यों के जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए गए। मंडल आयुक्त ने कहा कि विकास कार्यों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जितने भी विकास कार्यों की घोषणा की है उनको प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। सारे डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ पहली मीटिंग थी, फॉर्मल जो मीटिंग थी, उसमें हमारा मेन मुद्दा था कि फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं, सीएम अनाउंसमेंट्स हैं, उन पे चर्चा की जाए और उनको स्पीड अप किया जाए उनके काम को। दूसरा हमारा हेल्थ इशू था कि भाई जो हेल्थ चेकअप कैंप्स हैं वो लगाए जाए और स्पोर्ट्स स्टेडियम में, ताकि स्पोर्ट्समैन में या स्टूडेंट्स में किसी चीज की कोई डेफिशिएंसी है, कोई आयरन की है, कोई विटामिन डी की है, B12 की है या आंखों की प्रॉब्लम है, तो वहां सॉर्ट आउट हो जाए। तो उसके लिए हमने कहा है सीएमओ को कि भी अपने अलग अलग कैंप्स लगाएं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उसमें इन्वॉल्व करें हेल्थ चेकअप कैंप्स के लिए।